हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो आज जो हम करने वाले हैं वो गुडविल का कुछ एडजस्टमेंट करने वाले हैं। आपने देखा होगा सर, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कुछ प्लस किया जाता है, कुछ माइनस किया जाता है। अभी तक उसको हमसे भरट रहे होते हैं कि ये कहते हैं हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस करना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो प्लस करना है। लेकिन क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक हमको बहुत ही कम टीचर्स हमको बताते हैं। तो उनमें से मैं एक हूं, आपको मैं सारे लॉजिक्स क्लियर करूंगा कि सर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो प्लस माइनस होता है उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। और लॉजिक पता लग जाएगा तो फिर आप तो आराम से ही उसको याद कर लोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को। तो सबसे पहले हम वो लॉजिक के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है गुडविल, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये तो हमको पता है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आप वो बताओ जो हमको नहीं पता, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर प्रॉफिट जो नॉर्मल कोर्स में पैसा कमाते हैं, नॉर्मल कोर्स में पैसा कमाते हैं, ठीक है। सही, नॉर्मल कोर्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कोर्स का मतलब होता है जब बिजनेस हमारा नॉर्मली चल रहा होता है, जिसमें कुछ भी नुकसान वगैरह नहीं होता, कुछ भी अचानक से फायदा नहीं हो रहा होता और कुछ भी गलती वगैरह नहीं हो रही होती हमारी अकाउंटिंग के बीच में। ये चीज क्लियर हुई है? तो नॉर्मल कोर्स का मतलब है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नहीं हुआ हमको, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई अकाउंटिंग करते समय गलती भी नहीं होनी चाहिए, ये आप चीज समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल कोर्स में हमारा प्रॉफिट होगा वो ही। ये आप चीज समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो जरा मैं डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। लेट सपोज मान के चलते हैं, फिर एक साल हमने कमाया 40,000 रुपए, दूसरे साल कमाया हमने 40,000 रुपए और तीसरे साल भी कमाया हमने 40,000 रुपए। तो हम बोलते हैं पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो सर टोटल निकालेंगे हम 1,20,000 का और 3 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 सर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट बोलता है कि नॉर्मली हम 40,000 कमाते हैं। तो ये इसके पीछे एक अजम्पशन होती है, इसके पीछे एक अजम्पशन होती है कि अकाउंटिंग सही करी गई है, ठीक है। ये जो 40,000 निकाले गए हैं ना, ये assumption ली जाती है या माना जाता है भैया प्रॉफिट दिया तो ऑब्वियस ये बात है सही प्रॉफिट निकाल कर दिया होगा। और सही प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन सही लगाया होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यूएट हुए होंगे, ये सब सारी चीजें मानकर चलते हैं कि सब कुछ बढ़िया रहा होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोलता है नहीं भाई कुछ गलतियां हो गई हमसे, तो मुझे एक बात बताओ, तो प्रॉफिट जब गलत होगा तो एवरेज प्रॉफिट भी गलत आएगा, और एवरेज प्रॉफिट भी गलत आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी गुडविल भी गलत आएगी। ये आपको चीज समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने फिर से, अगर हम प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकाल रहे हैं, जब प्रॉफिट ही गलत होगा हमारा तो फिर गुडविल तो गलत आएगी आएगी, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी एक बात बताओ, हमने 11th क्लास के अंदर अकाउंट्स पढ़ रही है सर, हाँ थोड़ी बहुत तो याद आ रही है। तो बेटा हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट हल्का सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट सर ये तो बहुत अच्छे से आता था, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा हमेशा ही मैच होता था। तो बेटा यहाँ पर हम लिखते थे, यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, 2 यहाँ पर परचेज लिखते थे, ठीक है, 2 यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे बाय सेल्स, बेटा सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न को इग्नोर करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है सर? बिल्कुल सर, अच्छे से याद आ रहा है, इसको कैसे भूल सकते हैं, यही चीज तो थी जो हमने लास्ट में कर रखी थी, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हमारा टोटल हो जाता था, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है? अब जरा मैं कुछ हाइपोथेटिकल फिगर्स लिख रहा हूं, हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत, मेरे मन मर्जी से। बेटा मान के चलो सेल्स हमारी 1,00,000 की है, परचेज हमारी 50,000 की है, ठीक है, और ये चाहो तो आप मेरे साथ एग्जांपल लिख सकते हो, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलो मैंने 10,000 के लिख दिया, यहां तक समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक में लिख रहा हूं 10,000 का और क्लोजिंग स्टॉक में लिख रहा हूं 20,000 का। अब बच्चों सारे सब मेरे साथ मिलकर क्या निकालेंगे, मेरे साथ मिलकर सब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर आया 1,20,000, ठीक है, और 1,20,000 में से अगर 70,000 माइनस करता हूं तो मेरा 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है, और यही ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आगे चल के नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लगेगा। ये सारी बातें हमको क्लियर है। बट हुआ क्या, हुआ ये पिछले साल
मेरा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 होना चाहिए था, बट गलती से मेरा जो प्रॉफिट था वो 30,000 लिख दिया। क्या बोला मैंने? मेरा प्रॉफिट 20,000 था पिछले साल का, बट गलती से मैंने 30,000 लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है ना? क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओवर वैल्यू हो गया। इस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू का कारण जो इफेक्ट होगा वो क्या मेरा प्रॉफिट पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। ये 10,000 बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है ये हमारा 50,000 की जगह 60,000 हो गया है ना। क्लोजिंग स्टॉक मेरा इंक्रीज हुआ तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ही तो बात है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 50,000, बट मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया 60,000, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था। तो मुझे एक बात बताओ, सही प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 10,000 को कम करना चाहिए, क्योंकि जो चीज ज्यादा लिख गई जिस वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है जबरदस्ती का, उसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा। ये आपको चीज समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ये चीज बता दीजिए। चलो एक बार इसको हम फिर से गो थ्रू करते हैं, अगर पहली बार में समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं। चलो मैं फिर से फिगर्स लिख रहा हूं बच्चों। मैंने बोला था ये हमारा बढ़िया बढ़िया सी अकाउंटिंग चल रही थी, ये हमारी एकदम बढ़िया सी अकाउंटिंग चल रही थी हमारी। 120,000 यहाँ का टोटल है और 120,000 यहाँ का टोटल है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा 50,000। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट हुआ क्या, हमारा अकाउंटेंट थोड़ा नाकारा था। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, इस 20 की जगह पे गलती से लिख दिया 30,000 लिख दिया। ठीक है, गलती से उसने यहां पर क्या लिख दिया, 30,000 लिख दिया। और यहां पे 30,000 लिखने की वजह से हुआ क्या, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था वो इंक्रीज हो गया। बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, ये हो जाएगा मेरा 1,30,000 हो जाएगा, ये भी मेरा 1,30,000 हो जाएगा अकाउंटेंट की गलती की वजह से। और ये 30,000 बैलेंसिंग फिगर, तो मेरा ये गलती से 60,000 आ जाएगा। मेरा प्रॉफिट आना चाहिए 50,000 का, बट अकाउंटेंट की गलती की वजह से उसने ओवर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया और उस वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ गया। हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? ठीक है, मुझे एक बात, प्रॉफिट मेरा होना चाहिए 50,000 रुपए, बट ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट आई एम जस्ट सेइंग, ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मेरा प्रॉफिट 60,000 आ रहा है। करेक्ट ये है, इनकरेक्ट ये है। तो ओवर वैल्यूएशन का इफेक्ट हटाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं 10,000 को माइनस करूंगा। हाँ या ना, तभी तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो मतलब क्या, मैं हमेशा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि उस वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आता है, जो कि गलत है। ये चीज क्लियर हो गया? बिल्कुल सही बात। इसका एक और रिपरकशन पड़ेगा, सर ये जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। हाँ या ना, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों। बेटा अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा या ज्यादा आएगा, जरा मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहा है, मतलब नॉर्मली के हिसाब से ज्यादा दिखाई दे रहा है, चलो मैं दिखाई देता हूं आपको, कैलकुलेशन करके दिखाता हूं ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। परचेस टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करना बच्चों। मेरा ओपनिंग स्टॉक पिछले क्वेश्चन में 20,000 था, जो कि गलती से कितना लिख दिया गया, 30,000 लिख दिया गया, याद आ रहा है? ठीक है, मान के चलो पिछले साल वाली सेल्स कितनी हुई थी, अगले साल एक साल एक साल की वो सेल मारी 1,00,000, वो 1,00,000 की सेल हुई, क्लोजिंग हमारा 20,000 है, परचेज हमारी 50,000 है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक 20,000 की जगह 30,000 लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक अगर 20,000 होता, अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा 20,000 होता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा खासा 50,000 आ रहा होता। अगर मेरी कैलकुलेशन सही होती तो ये आता मेरा 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आता। बट हुआ क्या, गलती से मेरा अकाउंटेंट ने पिछले साल गलती कर दी थी, पिछले साल अकाउंटेंट ने इसको 30,000 लिख दिया था। अब 30,000 को लिखने की वजह से जो मेरा प्रॉफिट था वो 40,000 आएगा। मतलब क्या हुआ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम दिखाई देता है, मेरा प्रॉफिट है वो कम दिखाई देता है। तो सही करने के लिए क्या करूंगा, मैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को प्लस करूंगा। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब ये
अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उस वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आता है तो मैं इस चीज को माइनस करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट सही करने के लिए उसे माइनस करना पड़ता है। बट यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का बन जाता है मेरा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, और अगर ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड होता है तो मेरा प्रॉफिट कम आता है, मेरा प्रॉफिट कम आता है तो मैं उसको ज्यादा दिखाता हूँ। ये आपको चीज समझ में आई? ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई देने का मतलब क्या है, मेरा प्रॉफिट कम आएगा तो सही करने के लिए मैं प्रॉफिट को इंक्रीज करूंगा, और अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक कम दिखाई दे रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा वो, और प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा तो मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। और ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही कि सर ये क्या रामायण चल रही है, हाँ या ना जवाब दो मेरे को, कुछ भी पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है बताओ जरा। आ रहा है बच्चों को समझ में? ये चीज समझ में आई? तो ये लॉजिक होता है हमारा किस चीज का, इस चीज का, ठीक है। चलो ये तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का समझ में आके ध्यान रखना, वो क्लोजिंग स्टॉक की दिक्कत आई है तो पिछले साल को ओपनिंग स्टॉक में भी दिक्कत आएगी, ये चीज समझ में आ रही है? अगर ओपनिंग स्टॉक में दिक्कत है, क्या बोला मैंने, एक सेकेंड, अगर ओपनिंग स्टॉक में दिक्कत है तो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक में भी दिक्कत रही होगी, और अगर क्लोजिंग स्टॉक में दिक्कत है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक में भी दिक्कत रहेगी, ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की और डेप्रिसिएशन की, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी तक हमने किसके बारे में देखा, अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखा, अब हम बात करेंगे पी एंड एल अकाउंट के बारे में, ठीक है। ओके बच्चों अभी एक बात बताओ, ये हमारा पी एंड एल अकाउंट है और ये मेरा बैलेंस शीट है, हम असेट खरीदते तो क्या लिखते हैं सर, हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन लिखा यहाँ पर 1,00,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहाँ लगाते हैं बच्चों, सर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं पीएनएल अकाउंट अंदर, कितना 10,000, तो आउटर कॉलम में 10,000 आ जाता है, यहां से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो 90,000 आ जाती है, ये चीज हम करते आ रहे हैं, ये चीज हमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है, सर हमने गलती से ये तो कुछ किया ही नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया हमने 10,000 का, हमने गलती से 1,00,000 रुपए को पीएनएल डेबिट में लिख दिया, हमने गलती से डेप्रिसिएशन छोड़ो, हमने 1,00,000 की मशीनरी को पूरा खर्चे में डाल दिया, तो गलती हो गई ना सर हमसे, हाँ बच्चों गलती तो हो गई, गलती क्या हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, क्या गलती हुई है फिर से लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, ये गलती हो गई। तो इसको गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, पहले बताओ गलती क्या हुई, सर गलती ये हुई है डेबिट करना था पी एंड एल अकाउंट को डेप्रिसिएशन 10,000 के अमाउंट से, पर गलती से हमने डेबिट कर दिया मशीन के नाम से 1,00,000 रुपए, ये चीज समझ में आ रही है, करना चाहिए था ये बट कर दिया ये, तो सर इसको सही कैसे करेंगे, बेटा जो गलती करी उसको हटाओ, प्रॉफिट निकालते समय मशीन को 1,00,000 माइनस किया था ना पी एंड एल पर डेबिट करके, तो उसको सही करने के लिए क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, क्योंकि 1,00,000 आपने डेबिट कर दिया मतलब प्रॉफिट निकालते समय खर्चा माइनस कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, उसको वापस प्लस किया जाएगा, तो मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल पर डेबिट हो गया तो उसको करा जाएगा प्लस, 1,00,000 रुपए को करा जाएगा प्लस, ये चीज समझ में आई। और जो चीज सही करनी जानी चाहिए थी वो आपने करी नहीं, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना था, तो यहां पर फिर हम डेप्रिसिएशन को अलग से कैलकुलेट करेंगे और 10,000 माइनस करेंगे, और 10,000 उस साल में माइनस करेंगे जिस साल गलती हुई, और उसके नेक्स्ट ईयर में भी सुधार किया जाएगा, क्योंकि गलती हमने अकाउंट्स में एक साल में गलती नहीं होती है, वो पूरे साल चली होगी जितने भी आगे के साल रहे होंगे, ये चीज समझ में आ रही है, तो बीच में अगर गलती हुई है तो आने वाले साल में भी डेप्रिसिएशन का सही ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये समझ में आया आपको। तो होता क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गलती से हमने पीएनएल अकाउंट के डेबिट में डाल दिया, नहीं डालना चाहिए था तो उसको सही करने के लिए वापस ऐड करेंगे, और जो चीज डालनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन डालना चाहिए था उसको हम माइनस करेंगे, ये चीज समझ में आया। और प्लस इसके आने वाले आगे जो साल होंगे
ऑब्वियसली बात है डेप्रिसिएशन हमने तब चार्ज नहीं करा होगा, तो वहां पे भी डेप्रिसिएशन आगे चार्ज किया जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने ये देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के ट्रीट किया था, पीएनएल में डेबिट कर दिया था, ये गलती करी थी हमने, ठीक है। अब जो हम सीखने वाले वो क्या है कि रिपेयर कराई थी, अच्छी खासी रिपेयर कराई थी, पीएनएल में डेबिट करना चाहिए, बट गलती से बैलेंस शीट में ले गए। मतलब क्या, मैं लॉजिक बताता हूं। चलो होना क्या था, सिंपल होना चीज ये था, यहां पे लिखना था टू रिपेयर 1,00,000, क्या लिखना था टू रिपेयर 1,00,000 लिखना था, और बैलेंस शीट खाली रहनी चाहिए थी, ठीक है। बैलेंस शीट खाली कुछ नहीं होना चाहिए था, ये हमारा पीएनएल अकाउंट है बच्चों, और ये है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है आपको, बट हुआ क्या, ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, ये होना चाहिए था। हुआ क्या सर, हुआ ये कि यहां पर हमने गलती से रिपेयर को असेट मान लिया 1,00,000 रुपए का, गलती से हमने रिपेयर को असेट मान लिया और उस पर डेप्रिसिएशन अलग लगा दिया टू डेप। ये समझ में आ रहा है, हुआ क्या, 1,00,000 रुपए को पीएनएल में डेबिट करना था सीधा सीधा, वो नहीं करा, बट गलती में कर क्या दिया, उसको असेट मान लिया 1,00,000 रुपए का और उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया 10,000 रुपए का, जो कि गलती हो गई। ये चीज समझ में आ रही है, ये गलती है, ये इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है। तो मुझे बताओ सही करने के लिए 11th क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, उसमें क्या बोलता है, जो पिछला किया उसकी एंट्री रिवर्स कर दो। पीएनएल में कितना डेबिट होना चाहिए था सर, पीएनएल में 1,00,000 डेबिट होना चाहिए था, तो 1,00,000 माइनस कर दो सर, कर दिया सही, 10,000 गलती से माइनस हो गया, तो बेटा कोई बात नहीं इसको प्लस कर दो, हो गया ट्रीटमेंट सही एकदम। ये चीज समझ में आ रही है, जो गलती हुई 1,00,000 को डेबिट नहीं करा, कर दो सर, 10,000 को गलती से डेबिट कर दिया तो प्लस कर दो वापस, सिंपल। आया समझ में आपको? तो अभी तक हमने क्या नोटिस किया, अभी तक हमने जो समरी में बताया था, सबसे पहले गुडविल के अंदर जो हमने समरी देखी, सबसे पहले हमने देखा सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इससे प्रॉफिट ज्यादा आता है तो सही करने के लिए इसको माइनस करेंगे। ये चीज समझ में आए, इसका अगले साल इफेक्ट पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक पे। मैं थोड़ा गलत लिख गया, एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आकर देखना, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है, तो सही करने के लिए माइनस करेंगे। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा आता है तो मेरा प्रॉफिट कम दिखाई देता है, तो उसको सही करने के लिए मैं प्लस करूंगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, इसका जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स, एक चीज याद हो गया, लॉजिक अपना क्लियर हो जाने, सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाई दे रहा है तो बेटा तेरा प्रॉफिट भी कम दिखाई देगा, सही करने के लिए देखो प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा अगले साल। रिपोर्टेशन क्या पड़ेगा, सर ओपनिंग स्टॉक कम दिखाई दे रहा है, बेटा ओपनिंग स्टॉक कम दिखाई देने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और मन घड़ंत फिगर डाल देना, निकाल देना, फिर कभी क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देना तो देखना क्या इफेक्ट आ रहा है, कभी ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देना तो देखना क्या इफेक्ट आ रहा है। आपके लॉजिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लॉजिक क्लियर नहीं होते तो मुझे कॉमेंट सेक्शन बता देना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको प्रॉपर डेडिकेटली फिर से बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगी। और थर्ड, इसके रिवर्स सर, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखाई दे रहा हो तो क्या करें, ऑब्वियसली बात है ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो भैया वी आर ट्रीटमेंट प्लस करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक प्लस है तो भैया पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी प्लस रहा होगा, है ना, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बेटा यही दो ट्रीटमेंट है, आगे पीछे हो सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गया, ओके सर। तीसरा ट्रीटमेंट हमने क्या देखा था, तीसरा ट्रीटमेंट देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, मतलब जो चीज बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी वो शीट, अब वो चीज हमने पीएनएल में डाल दी, ठीक है, नहीं डालनी चाहिए थी, समझ में आ रहा है। तो जो गलती कर दी उसको प्लस कर दो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, प्लस कर दो प्रॉफिट के अंदर क्योंकि माइनस कर दी, और उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा था वो माइनस कर देना,
यहाँ उस साल में तो डेप्रिसिएशन माइनस करना और नेक्स्ट ईयर में भी माइनस कर देना, सिंपल सी बात। और चौथी जो चीज हमने अभी पढ़ी सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पीएनएल में जाना चाहिए था गलती से उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट में डाल दिया। आया समझ में? सर माइनस नहीं किया तो बेटा माइनस कर दो जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में डाले वो पीएनएल में डाला था, सर माइनस कर दो एक्सपेंडिचर, और सर उसमें जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो बेटा वो वापस ऐड कर देना। तो बेटा डेप्रिसिएशन इस साल में लगाया था तो वो भी ऐड होगा और आने वाले सालों में लगाया था वो भी वापस ऐड बैक हो जाएगा। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आपके दिमाग में ट्रेनिंग पीएनएल चलना चाहिए, कहानी चलनी चाहिए, ये चीज हुआ तो ये चीज होती है और बस उसको जो किया है उसका जस्ट रिवर्स कर दो। अभी भी समझ में ना आया हो तो मुझे एक बार आप पर्सनल मैसेज रिक्वेस्ट कर देना कि सर आप इस पे एक डिटेल वीडियो डेडिकेटली विद न्यूमेरिकल एग्जांपल आप करा दो तो फिर मजा आ जाएगा। तो बेटा मैं मजा दिलवा भी दूंगा, करवा भी दूंगा और एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी भी नहीं। तो गुडविल का एडजस्टमेंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा।